नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष का मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, देसी बकरी के बच्चे का ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, देसी बकरी ने बच्चा दिया उसका वजन कैसे बढ़ाएं, इसमें देखिए आप लोग कुछ गलतियां करते हैं। पहले तो उस गलती को नहीं करना है। दो चार बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। देसी बकरी पालन बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी पावर देसी बकरियों का अच्छा है, उनके बच्चों का इम्यूनिटी पावर अच्छा है, लेकिन उनके बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो वो गलतियां कहाँ करते हैं, जैसे कि इधर दिखाइए तो देखिए देसी बकरी है मेरी, प्योर देसी बकरी है। अब देखिए इसका ग्रोथ देखिए, ये बकरी 2 महीने की गाभिन है और ये बकरी इधर है, इधर दिखाइए, ये बकरी देखिए इधर, इसने बच्चा दिया हुआ है और इसका बच्चा लगभग 2 महीने का होने वाला है। और देखिए कहीं से बकरी कमजोर नहीं है। लोग यही कहते हैं कि हमारी बकरी ने बच्चा दिया उसके बाद बकरी के का जो है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, बकरी दुबली पतली कमजोर हो गई है, कहीं से बकरी कमजोर दिख रही, दिखाइए और देखिए उसका बच्चा ये। तो हम इसी बच्चे में बात करने वाले हैं। ये अभी 13 तारीख आएगा, 2 महीने का होगा। इसका आप लोग हाइट लेंथ देखिए और इसका ग्रोथ देखिए। अब गलती कहाँ करते हैं, जैसे कि ये देखिए बकरी का बच्चा को आप लोग जब 10 से 15 दिन का हो जाए तब उसका पहले तो डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग आप लोग नहीं करते हैं, डिवार्मिंग करने में लेट करते हैं या तो करते ही नहीं है। उसके बाद लोग बकरे को खस्सी, यानी वो बकरी है तो कोई बात नहीं है, अगर बकरा है तो आप लोग खस्सी देखिए, अभी ये खस्सी नहीं हुआ है, देखिए अभी ये खस्सी नहीं हुआ है और कितना तेज तर्राक है। तो खस्सी 8 से 10 हफ्ते के बाद, 8 से 10-12 हफ्ते में जो है कि बकरी के बच्चे को खस्सी करवाना चाहिए। आप लोग खस्सी पहले करवा देते हैं, इसके लिए उनका ग्रोथ नहीं होता है। और आप बकरी का जो दूध पिला रहे हैं या बच्चे को जो फीड खिला रहे हैं आप खिलाइए, उसमें बदलने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया खस्सी करने का, 10 से 12 सप्ताह के बीच में आप खस्सी करें, 8 से 12 सप्ताह के बीच में खस्सी करें, बहुत अच्छा रहता है। उनका यूरिन पेशाब का जो रास्ता है वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाता है। तो जब बकरा आपका बड़ा होता है, जब उसका ग्रोथ होता है, मोटा तगड़ा होता है, चर्बी बनता है, उसका पेशाब नहीं रुकता है, क्योंकि पेशाब का रास्ता उसका विकसित, यानी यूरिन का जो रास्ता सिस्टम होता है वो विकसित हुआ होता है, तभी वहाँ पर वो रुकता नहीं है। और एक गलती करते हैं, वो गलती ये है कि आप बच्चे को हमेशा खुला रखते हैं। जब देखो तब वो खुला ही है, जब जी में आया तब वो दूध पी रहा है, जब जी में आया तब घूम रहा है, नहीं, उसको समय समय से दूध पिलाना है और समय समय से उसको घूमने और खेलने के लिए अपनी देख रेख में रखना चाहिए। एक गलती और करते हैं और वो सबसे बड़ी गलती है, जैसे कि जरा दिखाइए बच्चा कहाँ गया, देखिए इसकी माँ ये है, इसकी माँ को देखिए, ये इसकी माँ देसी बकरी है और थोड़ी सी ये डरती है सभी बकरियों से, इसके लिए कमज़ोर है। बाकी मेरी कोई बकरी कमज़ोर नहीं है, खाने पीने में अच्छी है और दूध भी अच्छा है। और इसने फर्स्ट बार बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा है आपके सामने, देखिए। तो दूसरी गलती, अच्छे नस्ल के बकरे से आप अपनी बकरी को क्रॉस नहीं करवाते हैं। ऐसे जी में आया कि देसी बकरी है, कोई भी देसी बकरा मिल जाए, कोई भी बकरा मिल जाए, मरा हिला हुआ एकदम कमज़ोर बकरा मिल जाता है, आप उसी से क्रॉस करवा देते हैं। जब आप उससे क्रॉस करवाएंगे तो उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और इस बच्चे को दिखाइए ज़रा, ये देखिए ये बच्चा, ये देसी बकरी है और इसको हमने बर्बरी से क्रॉस करवाया था और ये है रिजल्ट। इसके अंदर बर्बरी का भी गुण आया हुआ है और बर्बरी का जो रंग होता है ब्राउन चिट्टेदार, वो देखिए इसके पैरों पर आया है, इसके कानों पर आया है, बाकी तो देसी में गया है ये और अच्छे स्किन में आया है। ये लगभग गुलाबी स्किन में है, थोड़ा पूरा तो नहीं है, थोड़ा है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप लोग किसी भी बकरे से क्रॉस करवा देते हैं। देसी बकरी का मतलब देसी बकरा होना चाहिए, लेकिन अच्छा हेल्दी हाइट लेंथ वाला मोटा तगड़ा बकरा हो, उससे आप करवाएं। नहीं तो आप किसी ब्रीड से, बर्बरी से करवा लें या किसी बड़ी ब्रीड से करवा लें। अगर आप बड़ी ब्रीड से करवा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि बकरी एक ब्यात की होने के बाद ही उसे बड़ी ब्रीड से क्रॉस करवाएं, अन्यथा नहीं करवाएं। पहली बार उसको छोटे ब्रीड से ही करवाएं, फिर बच्चे का ग्रोथ रिजल्ट बढ़िया आएगा। आप जो खिला रहे हो, जैसे खिला रहे हो वही खिलाएं, सिर्फ इन 3-4 चीज़ों का, डिवार्मिंग का, खस्सी करने का और अच्छे बकरे से बकरी को क्रॉस करवाने का, इस पर ध्यान दीजिए, आपके देसी बकरे का, देसी बकरी का ग्रोथ वजन बढ़िया होगा। तो दोस्तों,
छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।